पोलैंड में नेटो के फॉरवर्ड बेस पर पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। बेमोपिस्की बेस पर नेटो के एडवांस हथियार तैनात हैं। बेमोपिस्की बेस से रूस को जवाब देगा नाटो। रूस के हमलों के बाद नाटो बेस हाई अलर्ट पर है। नाटो के फॉरवर्ड बेस से टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच जंग वैसे तो यूक्रेन के मैदान में हो रही है, लेकिन नाटो की एक बड़ी जंग की तैयारी पोलैंड के बेमोपिस्की नाटो बेस में चल रही है। ये वही बेस है जहां नाटो के 21 सहयोगी देश दिन रात अपने हथियार को धार दे रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पहला न्यूज चैनल है जो इस बेस तक पहुँच गया। इसी बेस पर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के एडवांस्ड हथियारों की तैनाती की गई है। अगर रूस किसी भी नाटो देश पर हमला करने की हिमाकत करेगा तो बेमोपिस्की नाटो बेस से ही इसका जवाब दिया जाएगा। युद्ध की किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए नाटो की मूवमेंट यहीं से शुरू होगी। रशिया के खिलाफ तैयारी करता हुआ नाटो का एक अहम बेस, एक फ्रंट लाइन बेस पोलैंड स्थित बेमोपिस्की, जहां पर मैं हूं अभी। और टीवी 9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल है जिसे नाटो हेडक्वार्टर ने नाटो बेसिस पर जाकर ऑन ग्राउंड लाइव दिखाने की परमिशन दी है कि किस तरह से विश्व का वो दूसरा हिस्सा, जो कि विश्व युद्ध जब होगा, तीसरा विश्व युद्ध, तो रशिया के सामने तैयार खड़ा होगा नाटो। पुतिन की प्लानिंग पर यूएस इंटेलिजेंस ने एक और बड़ा दावा किया है। लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं पुतिन, ये कहा जा रहा है। रूस में मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं पुतिन अगर जरूरत पड़ी तो। डोनबास से मोल्डोवा तक कब्जा चाहता है रूस। रूस यूक्रेन जंग के 70 दिन होने के बाद भी पुतिन की जंग की प्यास ना तो कम हुई है ना बुझने का नाम ले रही। पहले यह दावा किया जा रहा था कि पुतिन डोनबास पर जीत का परचम लहराने के बाद जंग के खात्मे का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अब खुद अमेरिकी खुफिया विभाग दावा कर रहा है कि पुतिन यूक्रेन में हो रही जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। पुतिन की महत्वाकांक्षा इस युद्ध को लंबा खींचने पर मजबूर करेगी। अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा है कि डोनेस्क, लुहांस, डोनबास तक खत्म नहीं होगा युद्ध। मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया पर पुतिन की नजर है। यूक्रेन से मोल्डोवा तक कब्जे की प्लानिंग है। यूक्रेन आर्मी को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं पुतिन। पुतिन के सपने रशियन आर्मी की क्षमता से ज्यादा हैं और सपने पूरे करने के लिए मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं पुतिन। पूरी दुनिया ये कह रही है कि पुतिन की सेना यूक्रेन में थक चुकी है। दावे ये भी किए गए कि रूसी सैनिकों को पता ही नहीं कि जंग के मैदान में करना क्या है, लेकिन इन सबसे परे पुतिन का प्लान कुछ और है और वो पूरी ताकत के साथ जंग के मैदान में डटे। और डोनबास में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूस पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी स्नाइपर टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। डोनबास की जंग पुतिन के लिए अब करो या मरो वाली जंग हो चुकी है। ये वही डोनबास है जहां से यूक्रेनी सैनिक रूस बॉर्डर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। कल ही ये खबर आई थी कि रूसी कमांडर ने डोनबास में और सैनिक भेजने की मांग की है। यही वजह है कि यूक्रेन के डोनबास में इस वक्त की सबसे भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की आर्मी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के जरिए डोनबास में रूसी फोर्स को टारगेट कर रही है। रूस की ट्रांसकार्पेथियन स्नाइपर्स टीम ने रूसी आर्मी पर हमला करने के लिए जगह जगह मोर्चे संभाले हुए हैं। तस्वीरें डोनबास के क्रिमेनिया की है। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने रूस पर जबरदस्त बमबारी करते हुए इस इलाके को रूसी कब्जे से आजाद करा लेने का दावा किया है। दूसरी तस्वीर भी डोनबास की क्रिमेनिया की है, जहां रूस ने दावा किया है कि इसके सैन्य काफिले ने ओपोर्निक की ओर बढ़ते हुए क्रिमेनिया के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। डोनबास में कब्जा कर रूस दुनिया को जीत का संदेश देना चाहता है। इसके लिए पुतिन ने कीव से अपना मोर्चा भी हटा लिया, लेकिन रूस को ना तो कीव हाथ लगा और ना ही डोनबास उसके कब्जे में आया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।